आज की वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा चीता चढ़ा घोड़ी, क्या करेगी संतोष बिचारी, मैडम सर में दिखाई जाएगी चीता की शादी, वहीं करिश्मा यूनिफॉर्म में देगी दिखाई, होने जा रही है एक और न्यू एंट्री, उसकी भी कराते हैं मुंह दिखाई। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे यार। जो अब तक चीता कर रहा था अब वो संतोष जी कर रही हैं। प्यार का तो पता नहीं लेकिन कुछ कुछ महसूस जरूर कर रही हैं। शादी रुकवाने के लिए वो हर वो कोशिश कर रही हैं जितनी कोशिश एक दोस्त दूसरे दोस्त को फंसाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है क्योंकि यहाँ पे चलते हैं जज्बात हैं, दिलों में उगरे प्यार हैं। न जाने कब अनु सिन्हा के बाद चीतोष की जोड़ी बनाई जाएगी, शायद तब जब मेकर्स को अकल आ जाएगी। मैडम सर का थाना बन चुका है शादी मैरिज लोन, जहाँ पे हो रही है एंगेजमेंट चीता और मिश्री की। जिस केस की अपडेट मैंने दी थी पिछली वीडियो में, उस केस की शुरुआत हो चुकी है। चीता को अरेस्ट कर लिया है बुलबुल पांडे ने और मिश्री की एंट्री भी होने वाली है। मिश्री के हिसाब से चीता है वो लड़का जिसने दिया था प्यार में इसको धोखा, और इस केस को मैडम सर बहुत सीरियसली लेंगे क्योंकि उनके साथ भी तो हुआ था धोखा। नेक्स्ट, क्यों अरेस्ट हुआ है चीता, क्या है केस, ये जानने के लिए आई है जज्बातों की गाली बटाई मिस हंटर 440। मैडम सर समझ गई है इस केस को कि ये है एक ऑनलाइन धोखा जिसे सॉल्व करने के लिए चीता को बनना पड़ेगा दूल्हा। जब तक वो ऑनलाइन फ्रॉड नहीं मिल जाता जो चीता की तस्वीर लगा के मिश्री से प्यार भरी बातें कर रहा था और उस अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा था, तब तक चीता को करना पड़ेगा प्यार का नाटक मिश्री से, और ये प्लान ऑफकोर्स हमारी मैडम सर का होगा। और लगता है केस सॉल्व करने में थोड़ी देर हो जाएगी, मिश्री इस बात को सगाई तक ले जाएगी। अगर मैं आपको एंगेजमेंट की BTS की फोटो दिखाऊं, इसमें आप करिश्मा और हसीना को यूनिफॉर्म में देख सकते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एंगेजमेंट वाले दिन ही उस फ्रॉड को पकड़ लिया जाएगा और सबके सामने ले आएंगे। तो जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है इस केस के कुछ सीन शूट नहीं हुए हैं जो 15 डेज के लॉकडाउन के बाद शूट होंगे, लेकिन ये अपडेट कन्फर्म नहीं है, हो सकता है ये शूट कम्प्लीट हो गया और आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी होगा पता चल जाएगा जब आप और हम देखेंगे मैडम सर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अहम खबर देना चाहूंगा कि हमने अपने YouTube चैनल पर 1000 फैमिली मेंबर बना लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 100 सब्सक्राइबर पर वीडियो बनाई थी, आज 100 है, कल 1000 होंगे और फिर 1000 से ज्यादा। मंजिल थोड़ी दूर है, सफर बहुत लंबा है, लेकिन आपके बिना सब अधूरा है। जो भी करेंगे मिलकर करेंगे क्योंकि ये हमारा YouTube चैनल है और आप मेरी फैमिली। आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही अपडेट्स और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ एंटरटेन करता रहूं। मैडम सर में न्यू कम एंट्री ज्यादा होती है, वैसे ही एक और एंट्री होने जा रही है जिनका नाम प्रीति शुक्ला है, जिन्हें आप पहले भी मैडम सर में देख चुके हैं, और ये एक नहीं बल्कि 2-3 बार मैडम सर में एंट्री कर चुकी हैं। अगर आप मैडम सर के सच्चे फैन हैं और आप शुरू से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि ये कौन कौन से रोल मैडम सर में पहले कर चुकी हैं। और मैं अपना ओपिनियन दूं तो हाँ, ओपिनियन ये आपको लॉकडाउन के बाद न्यू एपिसोड में दिखाई देंगी, ऐसा मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। अगर लास्ट डेज में शूट हो गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन इसकी अभी कोई अपडेट नहीं, और इनका क्या रोल होने वाला है वो भी अभी कंफर्म नहीं। जैसे ही कोई अपडेट और न्यूज मिलेगी तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अपना रखना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।